हाय गाइस, मैं अब्दुलरज़ाक सर आपके सामने फिर एक मोटिवेशनल स्पीच लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का टॉपिक हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई होप कि आपको पसंद आएगा। आपने सुपरमैन, स्पाइडरमैन, शक्तिमान, ध्रुव का नाम तो आपने सुना ही होगा। इन तमाम के अंदर एक कॉमन बात थी, वो क्या कॉमन बात थी आप जानते हैं? इसके अंदर क्या कॉमन बात थी? आपने धीरूभाई अंबानी का नाम सुना होगा, थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा, आपने सुना होगा दशरथ मांझी का नाम आपने सुना होगा। ये सारे सक्सेसफुल लोगों के आपने नाम सुने होंगे। इनके अंदर एक कॉमन चीज थी, वो क्या कॉमन बात थी? उनके अंदर क्या कॉमन चीज थी आप जानते हैं? उनके अंदर कॉमन चीज थी उनकी इच्छा शक्ति, उनकी विल पावर कॉमन चीज थी। विल पावर ऐसी एक इच्छा शक्ति, ऐसी ताकत है जो हारे हुए इंसान को जिता सकती है। एक ऐसी पावर है, एक ऐसी ताकत है जो हारा हुआ इंसान है उसके हार को जीत में बदल सकती है, जो नाकाम इंसान है उसको कामयाबी तक पहुंचा सकती है। एक ऐसी पावर है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है और सक्सेसफुल बना सकती है। एक विल पावर सबके अंदर होती है, कॉमन होती है, जरूरत है तो इसको बस इसको हरारत देने की, इसको हरकत देने की जरूरत है। अगर हम इसको हरारत देते हैं, इच्छा शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति को बढ़ाना आता है, इच्छा शक्ति की कोई लिमिट नहीं है, इसको हम बढ़ा सकते हैं। हमको इस इच्छा शक्ति को जगाना है और हमको सक्सेस बनाना है। तो आइए हम देखते हैं कि इच्छा शक्ति क्या होती है। सबसे पहले आपके अंदर विल और डिजायर होना चाहिए। आपके अंदर अगर इच्छा है तो आपके अगर कुछ करने की इच्छा है तो आप कुछ कर सकते हैं। आपकी इच्छा आपकी ताकत बन सकती है, आपकी ताकत मिलाकर आप इच्छा शक्ति बना सकते हैं और इच्छा शक्ति से आप कई सारी चीजें आप हासिल कर सकते हैं, आप सक्सेस लाइफ जी सकते हैं। सबसे पहले दो बातें आपके अंदर, यहाँ खास बात है, दो बातें सबके अंदर आपके अंदर अच्छी है। सबसे पहले आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, आप सक्सेस होना चाहते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आप सक्सेसफुल पाना चाहते हैं, इसलिए आप एक नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, आप नॉलेज हासिल कर रहे हैं। दूसरी बात ये बात है कि दूसरी एक बात है कि आपको विल पावर पाने के लिए आप ये अचीवेबल है, पावर आप हासिल कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर मौजूद है। आपको मैं एक रिसर्च के बारे में बताता हूँ जिसे वाल्टर मिशेल ने किया था। उसने क्या किया, वाल्टर मिशेल ने किया कि 4 साल के कई बच्चों को एक जगह जमा किया, उसने बच्चों को जमा किया और उनके सामने ट्रॉफी रख दी और उनको कहा कि जिस बच्चे को एक ट्रॉफी चाहिए वो एक उठा ले और जिस बच्चे को 2 ट्रॉफियां चाहिए वो 15 मिनट तक इंतजार करें, 15 मिनट के बाद घंटी बजेगी, बेल बजेगी, उसके बाद वो 2 ट्रॉफी ले सकते हैं। उसने अलार्म लगाया और स्टार्ट हुआ। कुछ बच्चों ने क्या किया, एक ट्रॉफी उठा ली और एक ट्रॉफी उठा के उन्होंने चॉकलेट उठा के उन्होंने खाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ बच्चे 15 मिनट तक वो वेट करते रहे, 15 मिनट का इंतजार किया, उसके बाद उन्होंने उसको खाना शुरू कर दिया। वाल्टर मिशेल ने इसका 40 साल तक एक्सपेरिमेंट किया, 40 साल तक उन्होंने इसका रिसर्च किया। 40 साल के बाद उन्होंने देखा कि जिस बच्चों के अंदर इच्छा शक्ति ज्यादा थी, जो बच्चों 15 मिनट तक वेट करते रहे, वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो गए, वो अपने लाइफ को सक्सेस होने लगे, वो अपनी लाइफ को खुशी से जीने लगे। लेकिन जो बच्चे एक चॉकलेट उठा लिए थे, जिनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी, जिनके अंदर विल पावर कम थी, जिन्होंने एक चॉकलेट फटक से उठाकर खाना शुरू कर दिया था, वो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हुए, वो अपने लाइफ में असफल हुए। उन्होंने उनकी जिंदगी में बड़ी सारी दुश्वारियां आने लगी, उनकी लाइफ में बड़ी कठिनाइयां आने लगी। अब वाल्टर मिशेल के इस रिसर्च से हमको पता चलता है कि अगर हमारे अंदर विल पावर है, हमारे अंदर इच्छा शक्ति है, तो हम कोई भी काम को सक्सेसफुल बनने के लिए हम आसानी से उसको कर सकते हैं और हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ लोग बड़े प्लानिंग के साथ अपना काम शुरू कर देते हैं, लेकिन काम शुरू तो करते हैं, शुरू शुरू में जोश में बड़े काम करते हैं, लेकिन बाद में वो काम करने में ढीले हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं। कुछ लोग बहुत एनर्जी के साथ अपना काम की शुरुआत करते हैं, काम को बड़ी शुरुआत में बड़ी तेजी के साथ करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उस काम को करना छोड़ देते हैं। इसकी एक ही वजह है, क्या वजह है, इसका एक ही रीजन है कि इनकी विल पावर कम है, इनकी इच्छा शक्ति कम है। अगर हमारे पास इच्छा शक्ति ज्यादा है तो हम कोई भी काम को अगर हाथ में लेते हैं। इसके उलट आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कोई अगर वो स्टूडेंट्स अपना कोर्स लेते हैं तो उस कोर्स को पूरा करने बगैर छोड़ते नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई काम जब हाथ में लेते हैं, जब तक उस काम को पूरा ना करे, जब तक वो अपने काम के अपने मकसद को हासिल ना करे, तब तक वो चैन से नहीं बैठते। ये होती है विल पावर। ये विल पावर उनको बैठने नहीं देती, उनको सोने नहीं देती। हमको क्या करना है कि विल पावर को जगाना है और कोई भी हम अगर काम करते हैं तो उसको सक्सेस तक ले जाना है, उसको अचीव करना है, अपना गोल अचीव करना है। आपने बहुत सारे ऐसी बात सुने, मैंने सबसे शुरुआत में वीडियो की शुरुआत में मैंने नाम लिया था कि जो दशरथ मांझी ने क्या किया था, उनकी विल पावर, उनकी इच्छा शक्ति, उनकी ताकत, इच्छा पावर ऐसी ताकत थी उनकी कि एक छेनी और हथौड़े से उन्होंने 55 किलोमीटर का पहाड़ जो हम पार नहीं कर सकते थे, उन्होंने एक छेनी और हथौड़े से तोड़ डाला और वहां से रास्ता बना दिया। ये होती है विल पावर, ये होती है इच्छा शक्ति। युवराज सिंह
युवराज सिंह ने, युवराज सिंह की ऐसी इच्छा शक्ति थी जिन्होंने कैंसर को मात दे दिया, कैंसर को मात देकर वो दोबारा स्टेडियम में आया और क्रिकेट उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। ये होती है इच्छा शक्ति। थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या किया था, 100 बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बल्ब का, 100 बार नाकामयाब हुए, 100 बार असफल हुए, उसके बाद भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और वो एक बार आखिर में सफल होकर बताए। ये होती है विल पावर, ये होती है हमारे अंदर की इच्छा शक्ति। अगर हमारे अंदर भी हम ऐसी इच्छा शक्ति को जगाएंगे, आप भी इनमें से एक हो, आप भी अगर अपनी इच्छा शक्ति को जगाते हैं, आप अपनी विल पावर को जगाते हैं, तो आप भी इनमें से एक हो सकते हो। आप अपने सपनों को हकीकत बना सकते हो, अपने सपनों को जी सकते हो, अपने सपनों को पा सकते हो। इसके लिए आपकी विल पावर को जगाना होगा, आपकी ताकत को, विल पावर को आगे बढ़ाना होगा, आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाना होगा। इसको बढ़ाया जा सकता है, इसको जगाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं तो आप इस कोई भी चीज हम इस दुनिया में करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, आप लाइक करें।